नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे महान भूमि भारतवर्ष के अनोखे अवतार के विषय में जो पृथ्वी पर विद्यमान है। भारत की भूमि को पवित्र भूमि माना जाता है। देवभूमि कही जाने वाली भारत की पवित्र भूमि पर समय समय पर संतों महंतों ऋषि मुनियों देवी देवताओं का अवतरण होता रहा है। चाहे बात हो भगवान श्री विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी की जो अयोध्या भारत की भूमि पर अवतरित हुए, या बात हो भगवान श्री कृष्ण जी की जो भारत की ही भूमि मथुरा में आए, ऋषि वेदव्यास जी, दुर्वासा ऋषि, कपिल मुनि, अगस्त ऋषि, गुरु नानक देव जी, दादू दयाल जी, मीराबाई जी, कबीर साहिब जी आदि का भारत में आना, जन्म लेना या अवतरित होना ही इस भूमि को पवित्र बनाता है। दोस्तों, देवभूमि कहे जाने वाले भारत में न जाने कितने ही संतों महंत ऋषि मुनियों का आना हुआ है। इस देवभूमि की बात ही अलग हो जाती है जब तीन लोक के भगवान यानी त्रिलोकीनाथ विष्णु जी स्वयं इस भूमि पर अवतरित हुए। देवभूमि भारत में जन्म मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज भी भारत में न जाने कितने ही ऋषि मुनि पीर पैगंबर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ व्यक्ति विभिन्न धर्मों में बटे होने के बावजूद भी सबका ईष्ट एक ही है, जिसे कोई अल्लाह कहता है, कोई रब, कोई खुदा तो कोई भगवान कहता है। किंतु 21वीं सदी से आ रही पीढ़ियों में आध्यात्मिक रुचि बहुत ही कम देखने को मिलती है, परंतु इसके साथ ही एक नई शाखा जो आध्यात्म में उत्थान ला रही है उसका संघर्ष भी हमें देखने को मिलता है। एक तरफ अधर्म है तो दूसरी तरफ धर्म। शास्त्र गवाह है कि धर्म अधर्म की लड़ाई में अधर्म की हमेशा हार होती आई है। बहुत से लोग धर्म को छोड़कर विज्ञान का पक्ष लेते हैं, वहीं दूसरी ओर यह शाखा लोगों को आध्यात्म की ओर से खींचने में जुटी है। हाल ही में देश में बहुत सी घटनाएं देखने को मिली हैं। यह सब अधर्म बढ़ने के कारण हो रहा है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा है, तब तब पृथ्वी पर कोई न कोई अवतार अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित जरूर हुआ है। 21वीं सदी की परिस्थिति भी कुछ ऐसी ही है, जिस कारण फिर एक महापुरुष का अवतरण भारत की पवित्र भूमि पर हुआ, जो विश्व में आध्यात्म को तन मन धन से उजागर करने में लगे हैं। 21वीं सदी के लिए सैकड़ों वर्षों से की गई भविष्यवाणियों के अनुसार अधर्म का नाश करने, धर्म की जीत को बरकरार रखने और भगवान पर लोगों के विश्वास को कायम रखने के लिए वह महापुरुष दिन प्रतिदिन आध्यात्म को शिखर पर लाने के लिए बहुत ही तीव्रता से प्रगति कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम उसी महापुरुष के बारे में आप सबको बताने जा रहे हैं, क्योंकि आज वो दिन है जिस दिन उस महापुरुष का बोध दिवस मनाया जाता है। आध्यात्मिक मार्ग में जिस दिन गुरु से नाम दीक्षा प्राप्त होती है, वह साधक का आध्यात्मिक जन्मदिन अर्थात बोध दिवस माना जाता है। आज हम उसी महापुरुष के बोध दिवस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वह महापुरुष के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं कि आखिर कौन है वो, कहाँ से आया, कैसे पता लगा कि यही है वो महापुरुष, किस प्रभु का अवतार है वो। 8 सितंबर 1951 को उस महापुरुष का जन्म गांव धनाना के एक छोटे से किसान परिवार में हुआ। गांव में ही अपनी पूरी पढ़ाई करके हरियाणा के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हुए। बचपन से ही परमात्मा में आस्था होने के कारण भगवान के लिए अटूट श्रद्धा थी। मंदिरों में जाना, तीर्थों पर जाना, पूजा व व्रत करना उनके जीवन का एक अहम हिस्सा था। कभी साला सर तो कभी बालाजी गए, कभी सोमवार के व्रत तो कभी मंगलवार के व्रत किए। जीवन में लाभ बहुत हुए पर मानसिक शांति नहीं थी, आत्मा की संतुष्टि नहीं थी। भक्ति करते रहे कि कभी तो आत्मा संतुष्ट होगी। इसी दौरान एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें एक सत्संग में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। कबीर पंथी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी सत्संग कर रहे थे। सत्संग के दौरान कुछ ऐसा पता लगा जिसे सुनकर उनकी आत्मा ठगा सा महसूस करने लगी। मन विचलित हुआ पर सत्य सामने था। स्वामी जी से वार्ता के संपूर्ण ज्ञान एकाग्रचित होकर सुना, समझा। आत्मा को संतुष्टि होने पर तुरंत नाम दीक्षा ले ली। 17 फरवरी 1988 का वह शुभ दिन जब उन्होंने स्वामी जी से दीक्षा प्राप्त की, उसके बाद जन जन तक उस बहुमूल्य ज्ञान को समझाने लगे। कुछ समय उपरांत स्वामी राम देवानंद जी ने उन महापुरुष को आगे सत्संग पाठ करने व नाम दीक्षा प्रदान करने की आज्ञा दी और आशीर्वाद दिया कि विश्व में आपके समान कोई संत नहीं होगा। तब से वो महापुरुष धर्म की लड़ाई करते हुए, संघर्ष करते हुए, नकली गुरुओं को ललकारते हुए और परमात्मा की प्यारी आत्माओं तक उस सच्चे ज्ञान को पहुंचाते हुए विश्व भर में आध्यात्मिक उत्थान ला रहे हैं। उस महापुरुष का नाम आज बहुत ही जाना माना है। वे महापुरुष हैं
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। जी हाँ दोस्तों, जिस महापुरुष का आज बोध दिवस है वो कोई और नहीं बल्कि वही संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं, जिनके सानिध्य में पूरा विश्व बदलने वाला है। आज ही के दिन यानी 17 फरवरी को उन्हें अपने गुरु जी से नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी के दिए हुए आशीर्वाद से आज उनका ज्ञान पूरे विश्व में पहुँच रहा है। दिन प्रतिदिन श्रद्धालु सच्चे ज्ञान को समझकर नाम दीक्षा ले रहे हैं। पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के 500 से भी अधिक नामदान केंद्र खुले हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए गए तत्व ज्ञान से अज्ञान का नाश हो रहा है, धर्म जीत रहा है, अधर्म हार रहा है। सभी संतों, महंतों, आचार्यों, शंकराचार्यों को ज्ञान चर्चा में पराजित करके उनके अज्ञान का पर्दाफाश करने वाले संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों से निकाला हुआ सत्य ज्ञान पूरी दुनिया में पेश किया, जिसे सुनकर करोड़ों लोग उनकी पुस्तकें निःशुल्क मंगवा कर पढ़ रहे हैं और नाम दीक्षा लेकर उनसे जुड़ रहे हैं। उनके सानिध्य में जगह जगह सत्संग किए जा रहे हैं। टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर उनके ज्ञान ने तहलका मचा दिया है। अब अधर्म की हार निश्चित है। वह दिन दूर नहीं जब सारा विश्व इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएगा। अतः आप सभी से हमारी टीम गुजारिश करती है कि आप स्वयं भी देर ना करते हुए इस महापुरुष द्वारा दिए तत्व ज्ञान को सुने, समझें और नाम दीक्षा लेकर अपने मनुष्य जीवन को धन्य बनाए। धन्यवाद।